acid was added to solid eggs kept in a test मैम आप म्यूटेड हो। ओके वेरी नाइस। देन द फोर्थ एमसीक्यू, पहले का ऑप्शन था बी, दैट इज सोडियम सॉलिड एक्स इज द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द गैस इज सीओ टू। दूसरे का ऑप्शन है सी, दैट इज क्लोरीन एंड सीएओ सीएल। थर्ड ऑप्शन को मैंने बोला है, थर्ड क्वेश्चन नहीं रहने दो, ठीक है। देन द फोर्थ वन, HCl इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, जो आपके पास सॉल्ट बनता है ना, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टॉपिक और क्लियर करने लगी हूँ, ध्यान देना। जब हम बात करते हैं, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो हमारे पास सॉल्ट बनता है न्यूट्रल, ठीक है, जिसमें आपके पास हो गया HCl, दूसरी तरफ हो गया NaOH, ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट,
जो वीक है वो अपने आप को शो नहीं करेगा, बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ HCl है, ठीक है, ये बन गया आपके पास, कुछ भी मैंने लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास, अगर मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास ये वाले सॉल्ट बने, ये देखो NaCl, NaHCO3, Na2CO3। अब ये मेरे पास कैसे बने, ये कैसे बना, जो इसमें सोडियम है पॉजिटिव है और पीछे वाला नेगेटिव है, ठीक है, ये हमारा बेस के लिया हुआ है, ये हमारा, जैसे मैंने पहले सबसे पहले करवाया था तो आई टोल्ड यू कि जो एसिड है Cl, क्लोराइड फैमिली, सल्फेट सल्फाइड फैमिली, नाइट्रेट नाइट्रेट, है ना। अब यहाँ पे ये पीछे वाले हमारे पास ऐसे होते हैं, सिर्फ इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3COOH, इसमें हमारे पास पहले नेगेटिव होता है, पीछे वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेगेटिव आगे होता है, पॉजिटिव पीछे होता है। आपने ये देखना है कि ये किससे बना है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, मानो मैं इसकी बात कर रही हूं, NaOH, ठीक है, प्लस बेस क्या होगा इसमें, सोडियम, सॉरी बेस होगा ये एसिड के CO3, CO3 वाला किस में करा है, CO3 एसिड, किस किस एसिड में CO3 करा आपने, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब यहां से ये क्या है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट क्या बनेगा, बेसिक। यहां पे ये हमने लिया Na2CO3, इस Na2CO3 में सोडियम कहां से लिया मैंने, बेस में से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO3 कहां से लिया, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, ठीक है, वो वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो सॉल्ट कौन सा, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो हमारे पास सॉल्ट कौन सा होगा, एसिडिक सॉल्ट। यानी कि ये देखो, अगर मैं ये बोलूं, कहां से लिया, ये, अब ये कौन सा सॉल्ट होगा, ठीक है, तो वी हैव टू सी कि सॉल्ट कौन सा है। अगला एमसीक्यू देख लो, इसी के साथ था, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसेंट्रेशन दोनों में से किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि सॉल्ट क्या बना, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, तो वहां पे कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। आप प्लीज आगे आ जाओ, फोर्थ की ऑप्शन क्या हो गई फिर हमारे पास, सी इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन। फिफ्थ वन इज टू कलर सीन एट द टू एक्सट्रीम्स, रेड एंड वायलेट, ए ऑप्शन। एक्सट्रीम पे पीएच स्केल पे एक्सट्रीम कलर कौन सा है, रेड, और दूसरी साइड पे वायलेट। देन फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग कौन सा बेस, बेस में भी स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड वी विल नॉट ऐड। मैंने शायद जब हमने पीएच यूज इन अ डेली लाइफ में भी मैंने बताया था कि जब हम सॉइल में डालते देन वी हैव टू ऐड द कैल्शियम के सॉल्ट डाले जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है।
सो इसके अलावा दूसरे बेस हम ऐड नहीं करते क्योंकि उसका कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन होगी ए स्लेक लाइम, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद, कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक HCl, AgCl के साथ रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सॉल्ट है, AgCl तो ऑलरेडी सॉल्ट है, ठीक है। और किसके साथ कर सकता है, Na2CO3 के साथ, कैसे Na2CO3 HCl के साथ NaCl बन सकता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तीसरा है लेड सल्फेट, नो। फोर्थ इज Na2SO4, नो। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na2CO3। देन एट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम जिप्सम। अच्छा अब आप बोलना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग, यस कृष्ण अनम्यूट योरसेल्फ। ड्राई स्लेक लाइम एंड क्लोरीन गैस। बाय ड्राई, बाय ड्राई बच्चे, स्लेक लाइम विद क्लोरीन, डी ऑप्शन। टेंथ है, ए सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग सॉल्ट। देखो ऑप्शन गिवन है मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल ले लो सोडियम, सोडियम प्लस HCl, NaCl सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सेकेंड ऑप्शन वॉशिंग सोडा विद क्लोरीन, Na2CO3 प्लस क्लोरीन, NaCl बन जाएगा, वो भी सॉल्ट है। तीसरा है बेकिंग सोडा विद क्लोरीन, NaHCO3 प्लस क्लोरीन, वो भी NaCl बनेगा। फोर्थ है स्लेक लाइम विद क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, वो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। तो क्या बना हमारे पास, सारे सॉल्ट्स हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या है, टेंथ में सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, नहीं वो चौथी नहीं थी, स्लेक लाइम वाली नहीं है, बाकी तीनों थी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 11th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द जिप्सम एंड पीओपी इज, आई एम टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड जिप्सम, 1.5 और इधर 3/2, ठीक है, 1.5 या 3/2, ठीक है ना, समझ आ गया कैसे, है ना, हाँ। 12th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, स्लेक लाइम, लाइमस्टोन, क्विक लाइम, सोडा ऐश, कैसे, कैसे आंसर दो मुझे, विच वन ए गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, स्लेक लाइम, लाइमस्टोन, क्विक लाइम, सोडा ऐश, यस कृष्ण अनम्यूट योरसेल्फ। मैम CO3 को जब हीट करेंगे वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है जी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम करते हैं, That is the limestone, na? Then the next one, the number of molecules of water are present in a green vitriol. Green vitriol mein number of water molecules. Five. Green vitriol. Seven. What is the formula? FeSO4.7 molecules of water. A small amount of baking soda can act as a preservative for milk. Baking soda milk में डाला, which purpose? या neutralize करने के लिए किसको? Neutralize the lactic acid in the milk. Bacteria खत्म करने के लिए नहीं डाला गया, neutralize the effect of the acid, lactic acid in the milk. D option. हाँ जी. Then assertion reason. First assertion. जिप्सम अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है,
जिप्सम अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लाइक जिप्सम इज फॉर्म्ड आना था यहाँ जिप्सम इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ पीओपी के फॉल्स है या इस क्वेश्चन को सॉरी इस तरह से करो जिप्सम अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स पीओपी इसको गिव्स कर लेना जिप्सम अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स पीओपी राइट ये स्टेट सही है लाइन असर्शन क्यों बच्चे CSO4 डॉट टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हीट करेगी तो क्या बनेगा पीओपी ठीक है अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स द पीओपी नेक्स्ट है इसका रीजन क्या है अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग जिप्सम लूजेस वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए सेकेंड है असर्शन कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज टू बी डिल्यूटेड वेरी केयरफुली करना चाहिए हमें केयरफुली नहीं केयरफुली करना चाहिए राइट उसके लिए रीजन क्या दिया उन्होंने द एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वॉटर एंड ऑन द डिल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक बोथ आर करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑप्शन ए थर्ड इज An aqueous solution of sodium chloride does not change the color of litmus paper. Aqueous solution imparts, an aqueous solution of sodium chloride does not change the color of litmus paper. क्या है ये जी ऑप्शन Aqueous solution of sodium chloride does not change. क्यों प्रयोग है ये Assertion ठीक है ओके रीजन है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल इन नेचर मैं पूछ रही हूं आपसे क्या ऑप्शन आएगा आंसर क्या होगा आई एम सेइंग एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डज नॉट चेंज द लिटमस पेपर क्यों नहीं करेगा सोडियम क्लोराइड क्या है सॉल्ट है ऑप्शन में आपको रीजन दिया है Because it is neutral in nature. Assertion and reason are both true and that is the correct explanation of the assertion. Fourth hai, aqueous solution imparts blue color to the litmus paper. And option is solution is of acidic nature. Aqueous solution किसी का भी होगा तो वो हमारे को देगा base का जो होगा blue color देगा But जो acidic in nature है वो false है तो यहां पे क्या हो जाएगा हाँ रीजन इज इनकोरेक्ट सी ऑप्शन देन द फिफ्थ क्वेश्चन टार्ट्रिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर है टार्ट्रिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर किससे बना हुआ है टार्ट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा ठीक है जी असर्शन ठीक है रीजन है टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड इमली में प्रेजेंट है दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी ठीक है सो बी ऑप्शन देन द सेवेंथ सिक्स्थ वन इज जो टैमरिंड में है वो अगर हम कह रहे हैं कि दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर तो उसका रीजन देता ना क्यों प्रेजेंट है वो बेकिंग पाउडर में न्यूट्रल करने के लिए नेक्स्ट है ग्रीन विट्रॉयल इज हाइड्रेटेड फेरोसल्फेट ठीक है रीजन है केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रॉयल इज FPSO4.7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या कैसे बोथ आर करेक्ट क्योंकि हाइड्रेटेड सॉल्ट है फिर हमने उसके हाइड्रेशन के मॉलिक्यूल्स बता दिए ए ऑप्शन सेवेंथ है एसिडिटी इज कॉज्ड इन द स्टमक ड्यू टू रिलीज ऑफ HCl एसिड सही है रीजन है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या सही है आपके पेट में एसिडिटी हो रही है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एसिड एसिड होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए एसिडिटी हो रही है बी ऑप्शन Both are correct, but that is not the correct. हमारी बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द एसिडिक फूड मतलब when we are eating the spicy food, तब हमारी बॉडी में HCl इंक्रीज हो रहा है
HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए बॉडी में इंक्रीज नहीं हो रहा। हाँ जी वो प्रेजेंट होता है ना स्टमक में फॉर दी पेप्सिन एक्टिविटी। ठीक है देन जी क्वेश्चन नंबर 8 पीएच ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 2। ठीक है एसिडिक करेक्टर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस 4 से 2 में जा रहा है पीएच एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है बोथ आर करेक्ट। नाइन्थ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल फेल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और कौन सा नहीं करता एक एल्कोहल और दूसरा ग्लूकोस। ग्लूकोस एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है अब उसने कहा एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये आपको असर्शन दे दी। रीजन दे रहे हैं एल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा बी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी सही है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता बिकॉज इट डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। अगर ये होता देन ए आना था। ठीक है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोल्यूशन पीएच इंडिकेटर है वो यस यूनिवर्स पीएच है फिनॉल पिथेलिन एसिड बेस इंडिकेटर है एसिड में डालने पे उसका कलर क्या होता है कलरलेस और बेस में डालने पे तो वही यही रीजन दे रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन कैन यू डू इट कि वो भी करूं लिटमस फिनोल पिथिलीन मिथाइल ऑरेंजेस आर द कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर बेसिकली दीज आर ऑर्गेनिक डाइज विद द करेक्टरिस्टिक कलर लिटमस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट लाइचेन फिनोल पिथिलीन मिथाइल ऑरेंज सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी इंडिकेटर इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर टू एसिडिक सोल्यूशन सारा वो लिख के उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्कोहल। एल्कोहल इज नॉट अ बेस। ठीक है ये वाले हो जाएंगे आपसे। ठीक है जी कर लेंगे अब